नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मदरपुर चैनल में। आज मैं शेयर कर रही हूँ मसालेदार मठरी की रेसिपी। ये कई परतों वाली बनके तैयार होगी और बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक परात ले ली है, उसमें डालेंगे 2 कटोरी मैदा। आप कप कटोरी किसी से भी माप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक, 1 चम्मच नमक डाल देंगे, थोड़ा सा कम ही लेना है नमक। 1/2 चम्मच डाल देंगे जीरा, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे काली मिर्ची का पाउडर और यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 चम्मच कलौंजी, जिसे मंगरेला भी बोला जाता है। 1/2 चम्मच लिया है मैंने अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा हाथों में क्रश करते हुए डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर उभर के आता है। और यहाँ पे हम डाल देंगे 1 पिंच के बराबर हींग। हींग डालने से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अभी यहाँ पे मोइन के लिए लिया है मैंने घी, तो सबसे पहले 4 चम्मच के बराबर मैं इसमें घी डाल रही हूँ। आप घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से जब हम इन्हें फ्राई करते हैं तेल में तो ऐसे लगता है कि जैसे ये घी में ही बने हों। तो अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। यहाँ पे एक ज़रूरी पॉइंट है कि मिक्स इसे हमें अच्छे से करना है। जितनी देर तक हम इसे मिक्स करते रहेंगे उतनी खस्ता यहाँ पे मठरी बनके तैयार होगी। ये देखिए यहाँ पे आटे का कलर भी चेंज हो गया है। तो अभी इसे चेक कर लेते हैं, ये एक लड्डू की तरह बन रहा है, तो इसमें परफेक्ट मोइन पड़ा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आटा गूंथ के तैयार कर लिया है। अभी मैं इसे 1/2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। आपको अगर जल्दी बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक सलेरी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 चम्मच घी लिया है, उसमें 2 चम्मच डालेंगे हम मैदा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। ये देखिए अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है, एक भी लम्स इसमें नहीं है। तो आटे को चेक कर लेते हैं हम, थोड़ा सा हाथों से इसे मसल लेंगे, उसके बाद हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो अभी मैं इसे फ्लोर पर ही बेल रही हूँ, फ्लोर एकदम साफ है। तो इस तरीके से हमें इसे चौकोर बेलना है, एकदम पतला भी इसे नहीं रखना है और एकदम मोटा भी नहीं रखना है। अभी हमने जो सलेरी बनाई थी ना, उसको इस रोटी के ऊपर से हम इस तरीके से फैला देंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हल्का हल्का हाथों से ही इसे फैला देंगे। अभी एक भाग को हम उठाएंगे और इसे आधे में फोल्ड कर देंगे, दूसरे भाग को उठा के भी उसे भी हम आधे में इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर से हम फिर से ये सलेरी लगाएंगे। ऐसा करने से इसके कई सारी परतें बनके तैयार होंगी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और खस्ता बनेंगी। तो अभी क्या करना है, इस तरफ का कोना लेना है, इसे आधे में फोल्ड कर देना है और उसी तरह हम वहाँ से भी इसे फोल्ड कर देंगे। और अभी इस तरीके से हाथों से थोड़ा इसे प्रेस कर लेंगे, फिर से हम इसको बेल के तैयार कर लेंगे बिल्कुल चौकोर में ही। ये देखिए फिर से मैंने इसे बेल लिया है, फिर से वही सलेरी हम इसके ऊपर से लगाएंगे। और अभी क्या करना है, इसे हम एक भाग को ऐसे करेंगे, आधा मोड़ेंगे, दूसरे को उसके ऊपर से इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, और अभी हम इसे लंबाई में बेलेंगे, थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर लेंगे, उसके बाद हम इसे लंबा बेल के तैयार कर लेंगे। ये देखिए एकदम लंबा मैंने इसे बेल लिया है, मोटा भी ज़्यादा इसे नहीं रखना है और ना ही इसे पतला रखना है। यहाँ पे तैयार हो गया है, चाकू या कटर की मदद से हम उसको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। आप चाहो तो बिस्किट के बराबर भी इसे काट सकते हैं, बच्चों को देने के लिए भी अच्छा होता है, नहीं तो इस तरीके से आप इसे कट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सभी को काट के तैयार कर लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कितनी सारी परतें पड़ी हुई है। यहाँ पे मैंने सभी बना के तैयार कर लिए हैं, अब चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। तो तेल मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, आँच को मीडियम कर देंगे, मीडियम में ही हम इसे तलेंगे। देखिए एक एक करके एक बार में जितने आए उतने ही हमें इसमें डालने हैं।
अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इनकी परतें खुलने लगी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है खाने में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए एक बार के मैंने तल के तैयार कर लिए हैं, इसे निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। इसी तरह से हम सारे बना के तैयार कर लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।